नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज विठलपुरा और आज बनाने जाए कुछ अलग सी अलग तरीके की रेसिपी जिसका नाम है मेथी की दाल। दोस्तों मेथी के पकोड़े आपने खाए होंगे, मेथी और बैंगन का सब्जी साग खाया होगा। आज बनाने जा रहे हैं मेथी की दाल जो भरपूर पौष्टिक है और बनाने में एकदम ईजी है। तो ये देखते हैं उसमें क्या क्या चाहिए। हमने प्रेशर कुकर में दाल ली है, अगर मसूर की दाल है तो बहुत अच्छा है। एक कप हमने दाल ली है, उसमें थोड़ा पानी डाल के हल्दी डाल के 2 से 3 विसल तक हमने उसको उबाल दिया है। ये दाल अभी रेडी है। अभी मेथी की दाल बनाने जा रहे हैं तो मेथी की ज़रूरत पड़ेगी। हमने मेथी लिया है और उसको अच्छी तरह से चॉप्स किया है। साथ में चाहिए हल्दी, जीरा, मिर्ची पाउडर, धनिया जीरा पाउडर और राई, साथ में चॉप्स ऑनियन और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। मेथी में हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद उसे बहते हुए पानी में धो देंगे ताकि उसकी डस्ट भी निकल जाए और नमक की वजह से मेथी का स्वाद भी बना रहेगा। कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है, अब उसमें थोड़ी सी राई, और थोड़ा सा जीरा डालेंगे। राई और जीरा तैयार होने के बाद हमने उसमें बारीक कटी हुई मिर्ची डाली है, अब उसमें डालेंगे बारीक कटी हुई ऑनियन और थोड़ी सी रेडिश होने तक हम उसको फ्राई करेंगे ऑनियन को। भाई दाल बन रही हो और उसमें अगर लहसुन ना हो तो मज़ा नहीं आता, इसलिए हमने उसमें गार्लिक पेस्ट भी डाला है। उसे अच्छी तरह अभी मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे ऑनियन के पकने का। प्याज के अच्छी तरह पकने के बाद उसमें हमने मेथी डाली और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और थोड़ी देर हम गैस पर रखेंगे ताकि ये मेथी भी ऑनियन के साथ अच्छी तरह से पक जाए। ये हम डाल रहे हैं 1 स्पून मिर्ची पाउडर, 1 स्पून धनिया और जीरा पाउडर। मेथी और ऑनियन पकने के बाद उसमें हमने उबली हुई दाल डाली है, उसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और थोड़ा उसे गर्म करेंगे ताकि दाल, मेथी, ऑनियन और जो डाले हुए सब मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अभी आप उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं और 5-7 मिनट के बाद आपकी दाल हो गई बिल्कुल तैयार। सर्व करते समय आप कोरिएंडर लीव्स के साथ उसे गार्निश भी कर सकते हैं।